हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की एक वस्तु। सुंदरता की जो वस्तु पोएट ने यहाँ पे बताई है वो नेचर में मौजूद, प्रकृति में मौजूद जो सुंदर चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। शुरू करते हैं पोयम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. सुंदरता की एक चीज मीन्स प्रकृति के अंदर मौजूद सुंदर चीज हमें हमेशा, forever means हमेशा joy देती है, हमेशा खुशी देती है। Its loveliness increases. इसका प्यारापन, इसका आनंद देना हमेशा बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। It will never pass into nothingness. मतलब इसमें कभी भी कमी नहीं आती, ये कभी कम नहीं होता, इसका जॉय देना कभी कम नहीं होता। उससे हमें प्रकृति के अंदर मौजूद जो चीजें हैं उनसे जो हमें खुशी मिलती है वो कभी भी कम नहीं होती। But will keep a boar quiet for us. बल्कि हमारे लिए एक बोअर का काम करता है। बोअर मीन्स छायादार स्थान का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप समर्स हैं, गर्मियों का मौसम है और धूप में हम शॉपिंग करने गए। अब धूप में पैदल चलते चलते, अब हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है तो इसलिए हम कुछ ऑटो वगैरह भी नहीं कर सकते, तो हमको पैदल ही घर आना है। अब पैदल चलते जा रहे लेकिन थक गए और रास्ते में हमें कोई छाया नज़र नहीं आ रही है, तो और हम पसीने से लथपथ हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि जल्दी से हम घर पहुँचे और रेस्ट करें? बिल्कुल वैसे ही जब हम लाइफ में क्या होता है, हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी होती है, ख़राब चीज़ें भी होती है ना। तो जब ख़राब चीज़ें होती है तो हम बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं। तब ऐसे समय पे ये जो नेचुरल चीज़ें, अगर हम इनकी तरफ गौर से देखें तो ये नेचुरल थिंग्स हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमें जॉय देती हैं, है ना, हमारे लिए एक बोअर का काम करती है, छायादार स्थान का काम करती है। And a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. और ये जो नेचर की चीज़ें हैं वो हमें एक अच्छी नींद प्रोवाइड करती है। मतलब हमारा इन चीज़ों को देखने से जो हमें खुशी मिलती है, और उस खुशी की वजह से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो क्वाइट हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें अच्छी नींद आती है, और नींद में हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं। तो therefore इसीलिए on every morrow means morning, हर सुबह, इसीलिए प्रत्येक सुबह आर वी रेडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हर सुबह हम रेडिंग का मतलब होता है गूंथना, हम फ्लारी बैंड, फूलों की माला या फूलों का बंधन गूंथते हैं, टू बाइंड अस, अपने आप को, बाइंड मीन्स बांधे रखने के लिए पृथ्वी से, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों के बंधन को गूंथते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, फूलों का बंधन जो है उसको कहा गया है स्वीट मेमोरीज, अच्छी अच्छी यादें। हम रोज सुबह उठकर उन चीज़ों को याद करते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है हमें, है ना, और उसी की वजह से हम पृथ्वी पर बंद, मतलब पृथ्वी पर अपने जीवन को चलाते रहते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अब ये जो 3 लाइन्स हैं इसमें पोएट ने नेचर में जो खराब चीजें हैं उनके बारे में हमें बताया है। जैसे कि डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशाजनक स्थिति, उदासीनता की स्थिति, खराब स्थिति, और इनह्यूमन क्रूरता, डर्थ ऑफ नॉबल नेचर, प्रकृति में जो अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी। डर्थ का मतलब होता है कमी, और नॉबल नेचर मीन्स अच्छी प्रवृत्ति वाले, मतलब आज संसार में अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों की कमी। एंड ग्लूमी डेज मीन्स दुख भरे दिन, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, अनहेल्दी मीन्स
अस्वस्थता और अंधेरे से भरे हुए रास्ते। कभी कभी हमें रास्ते मतलब अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है ना कि हम मतलब बहुत निराशा में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, तो हमें हर चीज़ ख़राब लगती है। उसे कहा गया है डार्कन वेज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ख़राब बताई गई हैं नेचर में। मेड फॉर आर सर्चिंग वेज इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आर डार्क स्प्रिट। नेचर में कुछ ब्यूटी सुंदरता की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डार्क स्प्रिट से, जो कि हमारी निराशा की स्थिति से, हमने क्या किया, निराश होकर अपने चेहरे पर एक निराशाजनक कवर पहन रखा है हमने, है ना। पैल का मतलब होता है आवरण या कवर। तो ये जो नेचर की चीज़ें हैं वो हमारे इस कवर को हटा देती है, हमारी स्पिरिट से, हमारी आत्मा से निराशा को ख़त्म कर देती है, दूर कर देती है। अब ये जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें पोइट्स ने बताई हैं कि नेचर में कौन कौन सी सुंदर चीज़ें मौजूद हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, पेड़, छोटे बड़े पेड़, स्प्राउट टिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, और ये जो छोटे बड़े पेड़ हैं वो शीप्स के लिए एक छायादार वरदान की तरह होते हैं। कैसे कि ये अपने चारों तरफ छोटे छोटे से पौधे उगाकर एक ऐसे इस तरीके से एक पेड़ों की एक छायादार स्थान बना लेते हैं जहाँ पर शीप्स रेस्ट कर सकती हैं, तो इसीलिए उन्हें शेडी बून कहा गया है। और इसी तरह की और भी सुंदर चीज़ें नेचर में मौजूद है, जैसे सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लीव इन, जैसे कि डैफोडिल मीन्स नरगिस के फूल जो कि ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं या उगते हैं। ग्रीन वर्ल्ड मीन्स जंगल, जंगल में उगने वाले नरगिस के फूल। एंड क्लियर रील्स, साफ सुथरी छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे तालाब। That for themselves a cooling covert make against the hot season, जो कि अपने लिए hot season में, hot season means गर्मियों के मौसम में, अपने लिए cooling covert, cooling means पानी को ठंडा कर देने वाले, covert means झुरमट बना लेती है जिससे उनका पानी ठंडा रहता है। The mid forest break, और जंगल के बीच में उगने वाली break means झाड़ियाँ, जिनके ऊपर रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जिनके ऊपर मस्क रोज, मस्क मीन्स सुगंधित फूल, है ना, सुगंधित फूल झड़े हुए होते हैं। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है झड़ना, छिड़काव करना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि टूट टूट कर गिरे हुए उन झाड़, वो जो झाड़ियाँ ना जंगल के बीच में, उन पर खुशबू देने वाले फ्लावर्स गिरे हुए होते हैं, झड़े हुए होते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर टू फॉर द माइटी डेड, और इसी प्रकार की एक चीज है ग्रैंडर ऑफ माइटी डेड। ग्रैंडर मीन्स महिमा, माइटी डेड मीन्स वीरों की, वीर जो कि मर चुके हैं, मरे हुए वीरों की महिमा है जो हमें, जो कि नेचर के अंदर एक सुंदर चीज है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मोटिवेशन का काम करती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जितनी भी लवली टेल्स, लवली मीन्स प्यारी प्यारी, टेल्स मीन्स कहानियां, जितनी भी हमने अच्छी प्यारी सी कहानियां सुनी है या पढ़ी है, वो सारी कहानियाँ एक एंडलेस, एंडलेस मीन्स कभी ख़त्म नहीं होने वाला, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, किस चीज़ का, इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक बोला गया अमृत को, और अमृत क्या होता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, है ना। तो अमृत के फाउंटेन, अमृत के फव्वारे की तरह है, एक ऐसा फव्वारा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। Pouring onto us from the heaven's brink, जो कि pouring means बहकर आ रहा है हमारे ऊपर, और कहाँ से, सीधा heaven's brink, heaven means स्वर्ग के, brink means किनारा, स्वर्ग के किनारे से। अब स्वर्ग के किनारे क्या होते हैं,
मीन्स भगवान के घर से, भगवान के घर से ये जो अमृत का फाउंटेन है वो बहकर हमारे ऊपर गिर रहा है। कहने का मतलब ये है कि भगवान के द्वारा बनाई गई, ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये जो सारी नेचुरल चीजें हैं, है ना, नेचर के अंदर मौजूद ये जो जितनी भी चीजें, कौन कौन सी चीजें बताई मैंने पोयम में, पोएट ने कौन कौन सी चीजें बताई हैं सुंदर, देखे, सन मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप डैफोडिल्स क्लियर रेज और ब्रेक, ब्रेक मीन्स झाड़ियां बताई थी अभी जिसमें मस्क रोज गिरते हैं और ग्रैंडियर ऑफ माइटी डेट्स, ये सारी सुंदर चीजें एक अमृत के झरने की तरह, एक अमृत के फाउंटेन की तरह है हमारे लिए, जो कि गॉड ने खुद हमारे लिए बनाई है या भेजी है, जिनके कारण हम पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं या हम इन्हीं के कारण आज जिंदा हैं। अदरवाइज क्या होता, हम डिप्रेशन, इतनी सारी खराब चीजें हमारे आसपास कि हम शायद डिप्रेशन में ऐसे ही मर जाते, है ना, लेकिन नेचर की इस सुंदरता की वजह से आज हम अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। तो बच्चों आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी, थैंक यू।